हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय कोर्स। आज के दिन आपको जो लेक्चर और जो ट्यूटोरियल आपको दिखाने वाला हूँ, हर एक वाटर कलरिस्ट का सपना होता है कि मैं बनारस घाट और बनारस का कोई कंपोजिशंस करूँ। हर एक आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है और हर एक आर्टिस्ट करते भी हैं। तो आज इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग से लेके कॉन्सेप्ट से लेके कलर पर्सपेक्टिव तक और कलर कॉम्बिनेशंस एंड इन डिटेल पॉइंट्स कवर किया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा है। ये वीडियो मेरा पर्सनल क्लासेस का जो सेशंस होते हैं वो कोर्स मैंने इस वीडियो में डाला है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप इजीली एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हो बनारस की। सो बनारस का जो पॉइंट्स है 2, 3, 4, 5 क्या क्या कवर करना है, आई लेवल कंपोजिशंस पर्सपेक्टिव कैसे कवर करना है, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे करना है, वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस ट्यूटोरियल में। अगर आप ये पूरा ट्यूटोरियल देख लिए तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल गेन होगा वो आगे आपको ले जाएगा आर्ट फील्ड में एंड आर्ट सोसाइटी में। अगर आर्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेंटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सक्सेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम है आर्ट फील्ड के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ। आप लिंक को क्लिक करके मेरा फ्री व्हाट्सएप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सेशंस रखता हूँ अबाउट आर्ट थेरेपी एंड सक्सेस के ऊपर, तो आपके पास वो क्लैरिटी आ जाएगा। ऊपर में हो गया स्काई, नीचे में हो गया वाटर, ठीक है। तो ये पूरा वाटर है। अब ये वाटर में आने के लिए स्टेयर्स चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहां पे ऐसा देखिए, पर्सपेक्टिव, यहां पे ब्रेक, यहां पे ब्रेक, ठीक है। यहां से लेके यहां से एक लाइन खींचेंगे, ट्रायंगल हो गया। अब ये ट्रायंगल जो हो गया हम लोगों का पर्सपेक्टिव एंड धीरे 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 स्टेयर्स बड़ा हो जाएगा। इजी है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बहुत सारा स्टेयर्स करेंगे, लाइन लाइटली एकदम, ठीक है, डन, परफेक्ट। अब ये स्टेयर्स के ऊपर में हम लोगों का घर और मंदिर होगा, राइट। अब क्या करना है आपको, ऊपर का पर्सपेक्टिव भी करना है। ऊपर का पर्सपेक्टिव कैसे होगा, इसी जगह से ऊपर में आपको ले जाना पड़ेगा, जैसे कि इतना डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस ऊपर में होगा, ये देखिए, ठीक है। सबसे आसान तरीका बनारस घाट करने के लिए, आप एक्रिलिक में करिए, ऑयल में करिए, वाटर कलर में करिए, डज नॉट मैटर, मैटर इसके हाउ टू ड्रॉ, राइट। तो ये चीज आपको हो गया। अब इसके अंदर में मंदिर एंड हाउस, होटल्स एंड वॉट एवर यू कैन डू, ठीक है। अब यहां पे एक मंदिर होगा, ठीक है, एक ट्रायंगल मंदिर, फिर कुछ दूर जाके फिर एक ट्रायंगल मंदिर छोटा सा, ठीक है। अब यहां पे जो घर होगा, होटल्स होंगे, तो कैसे होगा, इसी पर्सपेक्टिव लाइन से होगा ऊपर से, ठीक है, ये देखिए आपको पूरा लाइन मिल गया ऊपर का, बहुत इजी। और राइट में ये एंड है, लेकिन ये जो मेरा पेंसिल है ना, ये एंड है, फिर भी मैं कर लेता हूं थोड़ा सा, रुकिए एक मिनट, ये देखिए ये एंड है मेरा, ठीक है। अब ये यहां पे एक मंदिर होगा, मंदिर कैसे होगा, सेम प्रोसेस, पर्सपेक्टिव का लाइन फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पे एक लाइन, यहां पे एक लाइन,
मंदिर मंदिर का डेप्थ दिखाएंगे हम लोग, राइट। ये देखिए डेप्थ हो गया, ठीक है। मंदिर कंटिन्यू हो रहा है, उधर में जा रहा है मंदिर, फिर एक दो लाइन है ना। तो हम लोग इजीली इस फॉर्म को कर पा रहे हैं। फिर यहां पे एक छोटा सा मंदिर टाइप का होगा, यहां पे लाइन दे दीजिए दो तीन। ये देखिए अच्छी तरह से सोचना है कहां पे कौन सा चीज है। आप कुछ भी कर सकते हैं बट गलत नहीं कर सकते, है ना। ये देखिए मंदिर। अब मंदिर का जो भी डोर टाइप का है, इस टाइप का डोर टाइप का है मंदिर, थोड़ा सा राउंड टाइप का भी होता है वहां पे, ठीक है। यहां पे फ्लैग्स हो गया, यहां पे फ्लैग्स हो गया, यहां पे भी एक मंदिर है, ठीक है। यहां पे बालकनी टाइप का है, जो होटल्स रहते हैं मंदिर के पास, राइट। तो वहां पे इस कंस्ट्रक्शंस का होता है बालकनी टाइप का। फिर यहां पे जाने की जगह है एक इस मंदिर के पास से, ठीक है। इधर से अंदर मतलब रास्ता होना चाहिए ना जाने के लिए बाहर, ठीक है। तो ये वाला स्पेस हम लोग कर लेंगे, राइट। अब यहां पे एक बैठने का जगह होना चाहिए, वो इसके अंदर होता है आपका घाट के पास, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे मंदिर पंडित लोग बैठते हैं, पूजा पूजा करते हैं ये सब, ठीक है। ये थोड़ा दूर में भी होता है ऐसा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए राउंड राउंड अम्ब्रेला हो गया तीन चार, ये करना है। उसके बाद क्या करना है, बोट, ठीक है। ये ड्राइंग करने के बाद हम लोग करेंगे बोट। बोट यहां पे एक बोट, ठीक है, यहां पे एक बोट, यहां पे एक बोट, ठीक है। बहुत सारा बोट होता है, बहुत सारा, एट ए टाइम आप वहां पे 25-30 मतलब उससे ज्यादा बोट देखेंगे एक एक घाट में। ठीक है, यहाँ पे एक बोट, यहाँ पे एक बोट, यहाँ पे बोट, यहाँ पे बहुत सारा बोट, जितना दूर जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको बोट दिखेगा, ठीक है। ये हो गया दूर में, उसका शैडो आप नीचे से ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी का ये रेफरेंस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे, ठीक है। ब्रश लेके कोई भी ब्रश, राउंड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पहले हम लोग करेंगे वाटर से वॉश हल्का सा, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट टोन कर लूं, आप देख लो, उसके बाद आप करोगे, ठीक है। एकदम एक साथ तो नहीं होता है ना, नहीं तो मैं करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले थोड़ा सा वाटर वॉश स्काई में, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा कोबाल्ट ब्लू, थोड़ा सा येलो, ठीक है। पहले हम लोग करेंगे फ्रेंच अल्टरमेरियन हो गया या कोबाल्ट ब्लू हो गया, ठीक है। ये कलर से हम लोग
ऐसा करेंगे, फिर कोबाल्ट ब्लू से येलो ऑकर से हम लोग ऐसा ऐसा सा टच देंगे, ठीक है, मतलब एकदम हल्का सा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आप दे सकते हैं, हल्का सा डार्क, जैसे मैं दे रहा हूं वैसे ही आप कोशिश करिए, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, कोई ड्राई ब्रश से, ठीक है, ऐसा ऐसा ड्राई ब्रश, ठीक है, ड्राई ब्रश से आपको थोड़ा सा यहाँ का जो वाटर, ये है वाटर और कलर है, थोड़ा सा ब्रश से उठाना है, इससे ना थोड़ा क्लाउड वाला फील आएगा, ठीक है, ऐसा हो गया ये वाला। अब क्या करना है कि इस साइड में ऑरेंज ले लिया, येलो ले लिया, ऑरेंज कलर भी ले लिया, ठीक है, यहां पे ऐसा एक ऑरेंज कलर, क्योंकि जित ऑरेंज कलर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है बनारस में, ठीक है, ये ऐसा ऑरेंज कलर, ठीक है, फिर थोड़ा ब्राउन और रेड व्हाटएवर वो लेके नीचे की तरफ आप ये कर सकते हैं अम्ब्रेला को छोड़ के, अम्ब्रेला का हाईलाइट छोड़ के, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट बिल्डिंग यही कलर कर लेंगे हम लोग, ये देखिए दूर में चला गया, पास में थोड़ा सा डार्क करेंगे हम लोग, डार्क कैसे होगा, रेड एंड ब्लू थोड़ा सा मिक्स करके, ऑरेंज भी है तो इससे थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेयर्स में क्या करेंगे, स्टेयर्स में लाइट कलर होगा, है ना, स्टेयर्स में क्या है ना कि लाइट कलर, लाइट ज्यादा होगा तो हम लोग येलो ज्यादा देंगे, है ना, हम लोग देंगे येलो ज्यादा, थोड़ा सा ऊपर से जो कलर है उससे भी कम, यहां पे देखिए ये येलो, ठीक है, येलो, ये देखिए हो गया। अब जो वाटर है, इस वाटर में थोड़ा सा वाटर देके ये जो ब्लू है, इस ब्लू को भी हम लोग थोड़ा सा दे देंगे, जैसे कि स्काई में है, राइट, ये कोबाल्ट ब्लू, ये अल्ट्रामरीन जो भी है, यहाँ पे जो कलर है उतना डार्क नहीं देंगे हम लोग, बट थोड़ा सा यहाँ पे कलर कर देंगे ब्लू कलर, ठीक है, इसके ऊपर फिर शेडो होगा हम लोगों का, ठीक है, फिर हम लोग ये जो कलर है ये देखिए बोट, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ गया ना, क्योंकि येलो मिक्स किया है, येलो दिया है इसमें, ये देखिए, ठीक है, राइट, अम्ब्रेला के यहां पे ये वाला कलर थोड़ा सा दे दिया,
थोड़ा सा बस। अब दिस इज योर फर्स्ट टोन, ठीक है, ये वाला कलर आप कर लो, उसके बाद हम लोग सेकेंड टोन में जाएंगे। ओके, नाउ सेकेंड टोन। सेकेंड टोन में क्या होगा, थोड़ा सा डिटेलिंग होगा, ठीक है, डार्क ब्राउन ले लिया, रेड ले लिया, फ्रेंच अल्टामेरियन भी थोड़ा सा है वो भी ले लिया, ऑरेंज तो है ही, मतलब थोड़ा सा डार्क कलर, राइट, रेड इज एंड ब्राउन इज थोड़ा सा डार्क कलर। इससे हम लोग करेंगे शेडिंग, ठीक है। शेडिंग कैसे करेंगे कि यहां पे एक डार्क, क्योंकि इस साइड में थोड़ा डार्क है, ठीक है, इधर में लाइट है और इधर में डार्क है, ठीक है, ये डार्क हो गया, यहां पे ये इस साइड में लाइट, ये देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस जो भी है ना, इसको आपको आराम से ऐसे ऐसे करके करना है, ठीक है। ये देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे ही करेंगे, अगर आपने मेरा जैसा 50% भी कर लिए ना तो आप सक्सेस हो। तो आप सक्सेस हो, है ना, मैं कितना आराम से कलर दे रहा हूं। जी सर, ऐसे ही आपको देना पड़ेगा। ये देखो अम्ब्रेला छोड़ दिया, अम्ब्रेला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो लाइट है उसके ऊपर, है ना। ये करना है आपको, फिर यहां पे मंदिर का लाइन दे रहा हूं मैं, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर लेंगे क्योंकि कंटिन्यू ये कलर आ रहा है इधर से, ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम लोग, ये कलर यहां पे कर देंगे, ठीक है, नहीं तो पूरा रेड ऐसे ही लगता, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, फिर यहां पे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, येलो से आप कर सकते हो, यहां पे डार्क थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का कलर हो गया, फिर आप ऑरेंज लेके इसके ऊपर कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा मल्टी हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया, यहां पे ये हो गया, ठीक है, ये देखिए शेड हो गया। अब थोड़ा सा डार्क आप दे सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि गली के अंदर डार्क देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो बाहर कैसे आएगा, ठीक है। अब ये जब डार्क दे रहे हैं तो यहां पे भी थोड़ा सा डार्क होगा स्टेयर्स में, है ना, थोड़ा सा डार्क होगा, लाइट भी होगा, ये देखिए स्टेयर्स का कलर हो गया इधर का। अब दूर में जो बिल्डिंग्स है, दूर में बिल्डिंग्स में आप लाइट कलर देके सेम
थोड़ा सा इस टाइप का कंपोजिशन सेट कर सकते हैं। देखिए दूर में जा रहा है, लाइट कलर, एकदम एकदम लाइट। ठीक है, अब इस मंदिर में थोड़ा सा इस टाइप का विंडो या डोर ऐसा कुछ डार्क दे दी। देखिए लाइट जहां पे होगा उसके अगेंस्ट में डार्क होगा, राइट, वो इंपॉर्टेंट है सोचना। जैसे कि यहां पे थोड़ा सा कर्निस, दुकान या ये है ना, घर है ना, तो थोड़ा ऊपर में रॉड वॉड रहता है, ठीक है, और डार्क, एकदम डार्क थोड़ा सा लेके यहां पे आप दे दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बनारस घाट बहुत डार्क होता है ऐसे, तो बहुत सारा ब्राइट नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा मैशी टाइप का, यहां पे थोड़ा सा मैशी टाइप का होगा, बिकॉज धुआं वुआ कुछ हो सकता है यहां पे। ठीक है, अब करते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स में क्या होगा कि यहां पे स्ट्रेट लाइन, इसी कलर से, लाइट कलर से स्ट्रेट लाइन, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना अच्छा स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं। है ना, अब यहां पे क्या होगा कि इसका शैडो यहां तक है, ये इसका जो शैडो है, इसका जो शैडो है इस प्लेटफॉर्म का, ये शैडो भी हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा डार्क से, है ना, फिर इसका शैडो भी ऐसा 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 ऐसा, एक ही साथ इसका शैडो और स्टेयर्स का लाइट, ये देखिए, है ना, इसका शैडो भी है, स्टेयर्स में डार्क भी है, शैडो भी है, फिर यहाँ पे ऐसा, फिर यहाँ पे जो स्टेयर्स से यहाँ पे ये कर लीजिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये देखिए, ठीक है, अब इस साइड में भी होगा, ये देखिए, दूर में भी होगा, एकदम दूर में, एकदम दूर में, दूर में थोड़ा 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 थोड़ा, फिर यहां पे होगा, एकदम धीरे 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 संभाल के कलर करने, लाइट कलर करेंगे तो उसको ठीक कर सकते हैं, ज्यादा डार्क कर देंगे ना तो उसको ठीक नहीं हो सकता वाटर कलर में, है ना, तो दूर में भी ऐसा ही है, ये देखिए प्लेटफॉर्म दूर में भी है ना, दो तो नहीं है, पूरा बनारस में है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और डार्क, अच्छा, ओके, अब क्या करना है कि ऑरेंज कलर से आप छतरी के ऊपर ऐसा दे सकते हो, ऑरेंज कलर का छतरी, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे रेड कलर का छतरी, ठीक है, यहां पे रेड कलर का छतरी, राइट, ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया जो है ये पूरा डार्क होगा शैडो से, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शंस, क्योंकि हम लोग जब लेक के सामने आते हैं तब जाके वो रिफ्लेक्शंस आएगा, राइट, तो हम लोग वो रिफ्लेक्शंस देंगे,
ठीक है, वो रिफ्लेक्शंस कैसे देंगे कि डार्क कलर, जैसे कि डार्क ब्लू एंड रेड, ठीक है, रेड ले लिया, थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया, थोड़ा सा ग्रीन टाइप का फील होगा, है ना, ठीक है। अब इस कलर से यहां पे हम लोग इसका शैडो देंगे, ये देखिए हो रहा है, यहां पे इसका शैडो, क्योंकि वाटर है ना, वाटर में देना पड़ेगा, यहां पे हल्का हल्का शैडो आराम से करना है, एकदम आराम से, ठीक है। अब ये जो बोट है, ये बोट का कलर आप रेड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा, ऐसा रेड हो गया, दो रेड, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो बोट है, इस बोट का कलर आप ब्लू कर दो, ठीक है, ऐसा। अब ब्राउन से क्या करना है कि यहां पे ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ऐसा बोट हो गया। अब इसके नीचे क्या होगा, शैडो होगा, शैडो कैसे होगा, डार्क कलर से थोड़ा ठीक है, ऐसे डार्क कलर से शैडो होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, स्टीयर्स में ऐसा थोड़ा सा डार्क देना है। अभी क्या करना है, ज्यादा फिनिश कर दूंगा ना तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, आप फिर 15-20 मिनट काम करिए इसके ऊपर, फिर हम लोग फिनिशिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर 15 मिनट के बाद मैं कॉल करता हूँ, मतलब म्यूट में हूँ, 15 मिनट के बाद ऑन करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आराम से देख देख के करिए, अभी हम लोग छोटा छोटा स्ट्रोक देंगे, ठीक है, ज्यादा बड़ा स्ट्रोक नहीं देंगे। जैसे कि रेड ले लिया, थोड़ा सा डार्क फ्रेंच अल्टरमेरियन रेड, थोड़ा सा डार्क कलर कर लिया इसने, थोड़ा सा ब्राउन भी कर लिया, थोड़े एक डार्क कलर हम लोगों ने इस साइड में रेडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा डार्क
थोड़ा थोड़ा करके डार्क होगा। यहाँ पे थोड़ा डार्क होगा, ठीक है, ये हो गया। विंडो है, थोड़ा डिटेल करना पड़ेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। मतलब सिर्फ शैडो देख ही करना है, वाटर कलर में तो कोई ऑप्शन नहीं है ना कि इसके ऊपर लाइट दे दिया, उसके ऊपर लाइट दे दिया, वाटर कलर में शैडो देखे ही आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पे शैडो बस, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद एक ब्रश ले आता हूं मैं, इसके बाद थोड़ा सा छोटा ब्रश से क्या करना है, रेड कलर से दो तीन फ्लैग करना है, जैसे कि यहां पे हो गया, ठीक है, ये एक फ्लैग हो गया, यहां पे हो गया, यहां पे हो गया फ्लैग, यहाँ पे दो तीन फ्लैग हो गया, राइट। इससे क्या होगा कि मंदिर का फील होता है फ्लैग व्लैग देने से। फिर यहां पे एक ऐसा दुकान टाइप का है, ऐसे कर सकते हैं। फिर डार्क कलर से थोड़ा सा देखिए हैपनिंग दिखाना है, हैपनिंग दिखाएंगे तो वो काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ऐसा कुछ लाइंस, ज्यादा नहीं करना है। यहां पे रेड कलर का, क्योंकि कलर रेड कलर का होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कलर का होता है मंदिर वहां पे, राइट। तो यहां पे थोड़ा सा शैडो, ये शैडो, ये शैडो, काफी सारा शैडो वैडो चलता है। अब हम लोग करेंगे कि अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला का जो स्टिक्स है ये हम लोग कर लेंगे यहाँ पे एक दो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, छोटा 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 स्टेयर्स में छोटा छोटा कैरेक्टर होगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि दूर से देख रहे हैं हम लोग। यहां पे भी कैरेक्टर है, काफी सारा लोग है जहां पे जा रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऐसा 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 कैरेक्टर करना पड़ेगा आपको। दो कैरेक्टर यहां पे है, ठीक है। धूप के अगेंस्ट में है, थोड़ा डार्क ही होगा। यहां पे एक कैरेक्टर बैठे हुए हैं और एक कैरेक्टर बैठा हुआ है,
यहाँ पे एक कैरेक्टर है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है ना। धीरे 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 कैरेक्टर बढ़ रहा है, और जितना कैरेक्टर बढ़ रहा है उतना ही आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारा कैरेक्टर, बहुत सारा मतलब लाखों लोग घाट में आते हैं। ये देखिए कितना कैरेक्टर है, छोटा छोटा डॉट दे रहा हूं, जस्ट आपको फील हो रहा है कैरेक्टर। अब क्या करना है, ये जो बोट है, बोट में थोड़ा सा यहाँ पे जो वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पे डार्क डार्क अंदर अंदर करना है, जैसे कि बोट में होता है ना। अब दूर में बोट दिख रहा है, दिख रहा है बोर्ड। एक दो लाइन दूर में दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है कि बोट में जो शैडो है, ये जो पार्ट है, इसको सही तरह से थोड़ा और डार्क से हम लोग स्टेब्लिश करेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब क्या करना है कि थोड़ा और डार्क लेके थोड़ा डार्क कलर लेके यहां पे थोड़ा डार्क देना है। राइट, थोड़ा शैडो हो गया। ये देखिए ओके। अब कुछ नहीं करना है, अभी इसको यही ब्लू कलर से, हल्का सा ब्लू कलर से आपको यहां पे थोड़ा सा ऐसे 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 करके कलर देना है, बस हल्का सा, बिल्कुल कुछ तो दिखाना पड़ेगा आपको इधर में, लाइट पार्ट थोड़ा सा ऐसा।
कहीं भी थोड़ा सा आप इस कलर से भी शेडो कर सकते हो, बिकॉज उस कलर का काफी बिल्डिंग्स है इस कलर का। ठीक है, अब क्या करना है कि एक्रेलिक व्हाइट से, ठीक है, एक्रेलिक व्हाइट से आप फिंगर से हल्का सा ऐसा, देखिए ये ऐसे फिंगर से यहां पे डॉट 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 देके, ये देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है, स्मोक। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा स्मोकी टाइप का है, ये देखिए, तभी तो घाट फील होगा ना कि थोड़ा सा धुआं रहेगा, ये रहेगा, राइट। अब यहां पे मान लीजिए कि यहां पे बोट में एक कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर बैठे हुए हैं, बोट भी तो ऑल टाइम खाली नहीं रहेगा ना, है ना। फिर यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर, फिर यहाँ पे तो काफी सारा कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कैरेक्टर का इधर में शैडो, कैरेक्टर का शैडो भी देना पड़ेगा, धूप है काफी, ये देखिए ऐसा करके शैडो आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का दे देंगे।